पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी की पत्नी अनुपमा कुमारी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैम, क्या खास रहा, किस वजह से आप लोगों को भाजपा का दामन थामना पड़ा? भाजपा का दामन थामना नहीं पड़ा, बल्कि उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी, मोदी जी की कार्यशैली से हम लोग बहुत प्रभावित रहे हैं, तो अब ये मौका मिला कि हमें उसमें आना ही पड़ा। और अभी देखिए, सनातन संस्कृति से भी जोड़ा है उन्होंने, हाल ही में अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं समाज कल्याण की और लोगों को जोड़ने की और एकजुट होने के लिए, राष्ट्र को एक होने के लिए, तो उस वजह से हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है और उसमें उनका सहयोग कर जो हम लोगों से होगा। क्या क्या कोई चुनाव वगैरह का भी इरादा है क्या? नहीं, चुनाव का कोई अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी वो हम लोग निभाएंगे। वो भी जिम्मेदारियाँ मिली हैं अभी आपको? अभी कुछ नहीं, अभी तो ज्वाइनिंग की है और वो बाकी वो तय करेगी पार्टी तय करेगी। यानी चुनाव में कहाँ कहाँ पे प्रचार में जाने का इरादा है आपका? हमारा कोई नहीं, वही तय करेंगे। तो हाँ, पार्टी तय करेगी, जो बताएगी जैसा उनका दिशा निर्देश होगा वो हम लोग। जिला कौन सा है आप जहाँ पर प्रभाव तो रखते ही है ना, कहीं ना कहीं? पूरा उत्तर प्रदेश ही है, एक तरह से हर जगह रहे, हर जगह प्रभाव रहा है, तो जहाँ की देंगे हम वहाँ निभा लेंगे और जो भी होगा वो आपको आगे पता चली जाएगा। अचानक से राजनीति में आने का क्या मकसद है आपके? अचानक से नहीं था, पहले से था, लेकिन चूंकि सर्विस में रहते हुए हम लोग खुल के आ नहीं पा रहे थे। मैं सर्विस में नहीं थी, लेकिन कुछ बंदिशें पति के सर्विस पे और ऐसे पद पे थे कि जो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था ना, इसलिए बाद में ही सोचा। बंधन टूटा, आप भाजपा में टूटा। जी 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 जी, बहुत बहुत। अनुपमा जी हैं, पूर्व डीजीपी जी की पत्नी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा क्योंकि पति उनके महत्वपूर्ण पद पे थे इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, अब वो पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।